उमरिया जिले में युवा अपने सागर तालाब घाट में स्वच्छता अभियान चलाया, साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया। युवा हिमांशु तिवारी ने बताते हुए कहा कि हमारी टीम के द्वारा तालाब, नदियां, घाट, कुआं, हैंडपंप के पास स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सगरा तालाब घाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तालाब से पॉलिथीन, प्लास्टिक, कचरा आदि निकालने का कार्य किया गया। तालाब को स्वच्छ सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान पर नगर के विभिन्न लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाते समय युवा हिमांशु तिवारी, पारस सिंह, सनी पटेल, ऋषभ त्रिपाठी, महेंद्र तिवारी, राहुल चंद्रवंशी, पूजा परस्ते एवं सभी युवा युवतियों का योगदान रहा। हिमांशु तिवारी ने बताते हुए कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। हम ये तो पता है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु हमने इसका अर्थ सिर्फ स्वयं के शरीर की सफाई से लगा लिया है। ये गलत है। स्वच्छता को सिर्फ शरीर की सफाई तक सीमित करके हमने उसके अर्थ को संकीर्ण बना दिया है। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते, तब तक आप अपने गांव एवं कस्बे को स्वस्थ नहीं कर सकते। युवाओं ने आमजन से अपील की कि प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए प्लास्टिक से बने उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमें प्लास्टिक से मुक्ति मिल सके। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं जिला उमरिया से हूँ, पाली ब्लॉक से। हमारे द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले भर में विभिन्न प्रकार के स्वच्छता अभियान के संदेश देने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जिले भर के नदी, तालाब, कुंड और अपने तालाब हो गया, कुंड हो गया और कुआं हो गया, हैंडपंप के पास जो कचरा इकट्ठा होता है, जो पॉलीथीन और प्लास्टिक इकट्ठा होती है, उसे बाहर निकालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आज हमने सगरा तालाब बिरसिंहपुर पाली के सगरा तालाब तट पर आज स्वच्छता अभियान चलाया। उस तालाब से हमने पॉलीथीन, प्लास्टिक बाहर निकाली और उसे स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया कि आप भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ सुंदर का रखने का कार्य जरूर करें। उमरिया से राजश्री मिश्रा की ये रिपोर्ट।